सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो हमारी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड होने वाली है। क्योंकि जैसे आजकल आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इंडिया में, क्योंकि चाइना में काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स वगैरह हो रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो है। तो इंडिया में इस टाइम बहुत ज़्यादा बूम पीरियड पे है आपकी क्रिप्टो माइनिंग या क्रिप्टो करेंसी का आप एक्सचेंज वगैरह करते हो। सो आज की वीडियो में पूरा का पूरा वही बताने वाले हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कि आप कैसे कर सकते हो पैसे अर्न, या अपने पीसी या कोई भी बेकार सा पीसी या कैसे भी पीसी उस पर आप कर सकते हो अपनी माइनिंग स्टार्ट, अपनी बिटकॉइन या इथेरियम जो भी आपको माइन करना है वो माइन कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से बताना चाहूँगा कि आपको करना है कुछ पैसे अर्न बिना कुछ अपने इनपुट दिए, जैसे अपने इंटरनेट की मदद से, मतलब उसे थोड़ा सा शेयर करके किसी और ऐप को। तो ऐसे ही एक ऐप आ गई है जिसको आप यूज़ कर सकते हो और अपना इंटरनेट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा शेयर करके उससे आप कर सकते हो थोड़े से पैसे अर्न या एक तरीके से साइड इनकम भी। तो ऐसी ही एक ऐप आ गई है, इसका नाम है हनी गेन, उसे आप यूज़ करो और वो आपका इंटरनेट का थोड़ा सा हिस्सा लेके उसके बदले आपको पे करेगी। तो सिंपली आप इसमें बहुत ईजी तरीका है, कोई आपको ट्राई नहीं करना, बस आप रेफर से भी इसमें कुछ पैसे अर्न कर सकते हो या अपने 10 डिवाइसेस ऐड कर सकते हो और उन पर इस ऐप को रन करके छोड़ दो बैकग्राउंड में, और ये अपने आप आपको उसके बदले जो भी इंटरनेट शेयर करेगी उसके बदले आपको पे मिलता रहेगा। ये सारी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, चाहे आपका एंड्रॉयड हो, विंडोज हो, या मैक हो, या लिनक्स, जो भी आपका है उस पर आपकी चल जाएगी। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, तो जाके चेकआउट जरूर करना। तो बढ़ लेते हैं वीडियो में। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ, ये वीडियो हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। फर्स्ट पार्ट हमारा जो माइनिंग पे पूरा डिपेंड करेगा और सेकंड पार्ट हमारा ट्रेडिंग पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको सामने दिखाई दे रही होगी क्रिप्टेक्स की वेबसाइट। तो इसमें आपको सिंपली करना है इसका डाउनलोड और करना है आप अपना लॉग इन क्रीडेंशियल्स, मतलब जो भी आपका आई डी पासवर्ड से करना है इसे रजिस्टर। तो फटाफट मैं कर लेता हूँ अपने आई डी पासवर्ड डाल के इसे रजिस्टर। इतने मेरी ऐप नीचे आप देख सकते हो इंस्टॉल भी हो चुकी, मतलब डाउनलोड भी कंप्लीट हो चुकी है। तो सिंपली करते हैं रजिस्टर पे क्लिक और हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंप्लीट। तो आपको सिंपली सामने एक ऐसी डैशबोर्ड टाइप दिख जाएगा, जैसे कोई भी आप कोई भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो आपको सिंपल ऐसे ही डैशबोर्ड दिखाई देता है, सेम इसका डैशबोर्ड है जैसे यूट्यूब का भी होता है। तो सेकंड चीज़ जो हमारी वो हमारा वॉलेट, क्योंकि अगर आपको बिटकॉइन करना है तो बिटकॉइन कोई फिजिकल करेंसी नहीं है कि आप उसे बैंक में रख सको या अपने हाथ में रख सको। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर वॉलेट चाहिए जिससे आप अपना इसका एक्सचेंज वगैरह कर पाओ। तो फटाफट हम इसको कर लेते हैं। इस ऐप का नाम है एक्सोडस, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली आपको सबसे पहले करना है यहाँ पे अपने एक अकाउंट बनाना है, क्रिएट करना है, इसकी ऐप को इंस्टॉल रखना है, और इसके बाद आपको एक पासवर्ड मिला होगा उसे भी सेफ रखना है। मैं फटा पहले ही कर चुका हूँ ये, क्योंकि मैं इस ऐप को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, बट मैंने क्योंकि इसके आपको देख सकते हो काफ़ी सारे सेंड और रिसीव के आपको लिंक्स मिल जाएंगे, तो इसलिए वजह से मैंने इसके लिए एक नया अकाउंट बनाया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो बहुत ही इसमें आपको सारे कॉइन्स करीब करीब 400 कॉइन्स के आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो भी कॉइन्स नया आता है वो इस पर अपने आप चढ़ जाता है, तो आप वहाँ से इस पर कर सकते हो कोई भी कॉइन पे ट्रेडिंग। जो सेकंड स्टेप है वो बहुत इजी है, आपको जो भी आपको इसमें वेबसाइट पे देखना हो यहाँ पे आपको आपको बिटकॉइन दिख जाएंगे और नीचे आपको स्टेप दिख जाएगा कि कैसे आप अपनी माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये भी एक वॉलेट है, मतलब ये वेबसाइट भी इसके अंदर भी एक वॉलेट है, बट आपको वो यूज़ नहीं करना है, आपको अपना वाला करना है। फिर आप जाओगे इसके होम पेज पर, वहाँ पर आपको दिख जाएंगे तीन ऑप्शन, माइनिंग कैलकुलेटर, माइनिंग बेस्ट ग्राफिक कार्ड फॉर माइनिंग। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और अब चेक कर लेना है कि आपके पास कौन सा ग्राफिक कार्ड है जिससे आप माइनिंग कर सके हो, और इस लिस्ट में वो है भी या नहीं, क्योंकि मेरा ग्राफिक कार्ड जो है वो GTX 750 Ti 2GB जो ओवरक्लॉकेबल है। तो ये वो ग्राफिक कार्ड आपको पता होगा 750 Ti काफ़ी फेमस ग्राफिक कार्ड है, वो भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। इसमें जो सबसे मिनिमम ग्राफिक कार्ड है वो 4GB का ही होना चाहिए, 4GB से ऊपर के ही ग्राफिक कार्ड ये सपोर्ट करेगी ऐप पर। आप चाहो तो कर सकते हो, मेरे भी 750 Ti पे रन कर रहे हैं, तो आप चाहो तो कोई भी आप 710 हो तो आप उसमें भी चला सकते हो, बट ये जो हैश रेट है जो प्रॉपर आपको दिखाएगा कि आप इतना आपको चाहिए हैश रेट, अगर आपको अर्न करना है, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तो वो आपको इसमें आप साइड में लिखा आ रहा है। जो कैपेबल ग्राफिक्स कार्ड है सिर्फ वही इस लिस्ट में इंक्लूडेड है, बाकी आप करना चाहो तो कोई भी ग्राफिक्स कार्ड पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ फेमस ग्राफिक्स कार्ड के दिखा रहा हूँ, जैसे 570 RX 570, इसमें आपको साइट में दिख रहा होगा ग्रीन, ये आपका मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि आपने कितना इन्वेस्ट करा ग्राफिक कार्ड पर, कितने मिले। यहाँ पे आपको सारे हैश रेट दिख रहा होगा, कितनी कौन सी करेंसी है, कौन सा हैश रेट है। राइट में आपको जो डॉलर्स में दिख रहा है कौन सी करेंसी आपको बेस्ट हैश मनी प्रोवाइड करेगी मंथ के हिसाब से। यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड का प्राइस लिखा हुआ है, बिल्कुल आपके ग्राफिक्स कार्ड के राइट साइड में जो उसका नाम है।
तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। मेरे पे RX 550 भी है पर वो मैंने दूसरे कंप्यूटर में लगा हुआ है, तो मैं उसको निकाल के लाऊंगा और उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, उसके ऊपर मैं फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा कितने आप अर्न कर सकते हो RX 550 से। सिंपली सॉफ्टवेयर को रन करने के बाद आपको करना है इसमें लॉग इन, और ये कुछ ऐसे नॉर्मली सा अपने आप, मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, और अपने आप आपके ग्राफिक कार्ड या प्रोसेसर जो भी आपको यूज़ करना है उससे अपने आप स्टैट्स ले लेगा। तो सिंपली आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, बहुत छोटा सा, कोई ज़्यादा बड़ी ऐप नहीं है, 10-20 MB की ऐप होगी। तो यहाँ पे आपको चले जाना है सबसे नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो कि कितने आपके अर्न हुई, यहाँ भी आपके नोटिफाइड होते रहेंगे। तो अभी तो मैंने जैसे ऐप को स्टार्ट किया तो कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो है सेटिंग्स का, तो मैं खोल लेता हूँ अपनी सेटिंग्स। यहाँ पे आपको लेफ्ट में प्ले का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग्स में आने के बाद आपको दिख रहा होगा स्टार्ट विंडोज़, मतलब जैसे आप पीसी ऑन करो अपने आप ऑन हो जाए, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूज़ सीपीयू, मतलब अपने सीपीयू का भी यूज़ करके इससे आपका ये चल जाए। तो इसे मैं कर दूंगा करंटली ऑफ, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रो मोड पे। प्रो मोड आपको बेसिकली प्रो मोड ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि प्रो मोड आपका ज़्यादा अच्छा है और उससे आप ज़्यादा अच्छा हैश रेट निकाल सकते हो अपने ग्राफिक कार्ड का। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे राइट साइड में, तो आपको जो भी, अगर आपका ग्राफिक कार्ड AMD का है तो आपको NVIDIA वाले अनटिक कर देने हैं, और NVIDIA का है तो AMD वाले अनटिक कर देने हैं। तो मैं फटाफट अभी AMD वाला अनटिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा ऑप्शन शो माइनस विंडोज़, मतलब जो भी आपको टर्मिनल टाइप दिखता है वो भी दिखने लगेगा फिर। तो मैं फटाफट इसे कर देता हूँ AMD वाले को अनचेक क्योंकि मैं AMD यूज़ नहीं कर रहा। और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिख रहे होंगे इंटेल कोर्टो का, जो इसमें कंप्यूटर प्रोसेसर लगा हुआ है वो भी आपको शो हो रहा है, और नीचे ग्राफिक कार्ड है NVIDIA GTX 1050 Ti वो भी आपको शो हो रहा है। तो सिंपली बस मेरे को अपना ग्राफिक कार्ड यूज़ करना है तो मैं वही यूज़ करूँगा। यहाँ पे आपको वोल्टेज दिख रही है, परसेंटेज दिख रही है कितनी परसेंटेज ग्राफिक कार्ड यूज़ हो रही है, और ग्राफिक कार्ड की फैन स्पीड दिख रही है। तो सिंपली मैं इसे थोड़ी देर रन करता हूँ, तो उस टाइम ही मेरी ग्राफिक कार्ड को लिटरली 100% पे ले गया था, और मेरा PC लैग मारने लगा था, और जो मेरी रिकॉर्डिंग वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपने GeForce एक्सपीरियंस से, तो वो ग्राफिक्स कार्ड से रन होता है, तो उसमें भी थोड़े लैग आने लगे, जैसे आपको वीडियो में थोड़ा दिख रहा होगा कि लैग आने लगे हैं। मेरे को तो लगा था कि वीडियो बंद ही हो गई, बट नहीं, वीडियो चल रही थी। तो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मेरा PC लैग हो रहा है, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर अपने साउंड कट कर देता हूँ, ये वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक किया जाएगी कितनी आपको मेगाहैश मिल रही है। तो मेरा ग्राफिक कार्ड 750 Ti 2GB ये आपको दे रहा है 1.35 मेगाहैश, अगर मैं थोड़ा ओवरक्लॉक करूँगा तो 1.5 मेगाहैश तक ये निकाल देगा, तो ये काफ़ी ठीक है। वही बात करूँ मेरा प्रोसेसर तो बेंचमार्क लायक नहीं है, तो मैं इसे पर बेंचमार्क नहीं कर रहा हूँ, और ऊपर आपको दिख जाएगा कि आपको 0.67 पर मंथ इतने आपको डॉलर्स आपको कमा के देगा, बट ये फिक्स नहीं है, आप इस पर बिल्कुल भी मत जाइए। अगर किसी भी जैसे बिटकॉइन या इथेरियम या जौन सा भी कॉइन आप माइन कर रहे हो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो इसकी भी आपको प्राइस करीब डबल या ट्रिपल भी दिख सकती है, वो आपके ग्राफिक कार्ड पर भी डिपेंड करता है और टाइमिंग पर भी डिपेंड करता है। तो फटाफट मैं कर देता हूँ ऑफ क्योंकि मुझे कोई माइनिंग नहीं करनी है, मेरा PC इस टाइम बहुत ज़्यादा लैग मार रहा है और वीडियो ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे ऑफ कर दिया। और यहाँ आपको मैं अगर टास्क मैनेजर में दिखाऊँ तो आप देख सकते हो मेरे ग्राफिक्स कार्ड की कितनी ज़्यादा यूसेज है, क्योंकि ये एक से कॉन्स्टेंट यूसेज नहीं रखता, ये ऊपर नीचे होती रहती है फॉर जितने टाइम ये रन होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रिक्वेस्ट टू पे आउट, तो मतलब आप पे आउट रिक्वेस्ट करना है कि आपको पैसे अपने अर्न कर रहे हैं, मतलब अपने पैसे निकालने हैं अपने बिटकॉइन की शक्ल में। तो यहाँ पे आपको वो मैंने बताया था कि रिसीव करके आप चाहो तो अपने जो भी आपका कॉइन है, जैसे मैं यहाँ पे बिटकॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है इसे कॉपी करना है और इसमें डाल देना है, तो आपके जो भी कैश है वो आपके वॉलेट में आ जाएंगे, मतलब जितने भी बिटकॉइन है वो सारे वॉलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो बस इस ऐप में यही है। अब जो सेकंड स्टेप है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम उसमें कंज्यूमिंग है और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो सेकंड जो है वो मैं कर रहा हूँ वजीर्स ऐप, जो एक ऐप भी है, मोबाइल ऐप भी है, आप इसका PC वर्जन भी है, तो मैं आपको PC वर्जन दिखा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसमें अपने स्टॉक्स को एक्सचेंज करना है, मतलब अपने स्टॉक्स को इन्वेस्ट करना है, ये प्रॉपर आपका स्टॉक मार्केट की तरह है। अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं आता तो, अगर आप 18+ से नहीं हो तो मैं नहीं मानता, बिल्कुल भी ट्राई मत करो, या आप ट्राई करना चाहते हो तो किसी की हेल्प लेके ट्राई करो। तो इसके लिए मैं आपको कोई नॉलेज दे सकता है, या आपको खुद अपनी ही नॉलेज या अपनी जो आप ट्राई कर रहे हो इतने टाइम से उससे ही करना पड़ेगा। तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कर सकते हो उसे डाउनलोड या रजिस्टर, या मोबाइल ऐप करना है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो गाइस यही थी पूरी आज का प्रोसेस, जिसमें आपको मैंने माइनिंग सिखाई, अपना वॉलेट बनाना सिखाया, और यहाँ पर आप चाहो तो एक्सचेंज भी कर सकते हो। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और घंटे के आइकन जरूर दबाना, वरना मेरे लेटेस्ट वीडियोस नहीं मिल पाएंगे। तब तक के लिए बाय गाइस, और अगर आपको इसी टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं और वीडियोस बना दूंगा इसी टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय गाइस।